नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आत्मविश्वास का प्रतीक बनी बेटियों की जीवंत कहानियां हम आपको हर दिन दिखा रहे हैं। इन बेटियों की कोशिशों ने साबित किया है कि सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार शुरुआत करने के बाद लोग खुद ब खुद साथ चले आते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश की गौरी ने सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ठानी और अपने मकसद में सफल भी हुई। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान है वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, बागानों में पकते फल और यहाँ के मंदिरों की ऐतिहासिक महत्ता। लेकिन यही देवभूमि बदनाम रही है यहाँ बड़ी संख्या में होने वाली पशु बलि के कारण। मौका कोई भी हो, धार्मिक आयोजन, माँ दुर्गा की स्थापना या घर में शादी, पशु बलि के नाम पर जानवरों को मारना यहाँ के सामाजिक संस्कारों का हिस्सा बन गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बेटी इन बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। मैं गौरी मौलिक हूँ, पीपल फॉर एनिमल्स की सदस्य सचिव बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। अंधविश्वास और पाखंड के कारोबार को बंद करने के लिए अपनी आवाज मुखर की। जो सबसे बहुत ही घटिया बात उत्तराखंड में देखने को मिली जब मैं वहाँ शिफ्ट करी, तो वो ये थी कि हर मंदिर में जानवरों को काटा जाता था। उसको बंद करने के लिए पहले तो हमने अवेयरनेस जनरेशन किया। जब वो माहौल बना तब हम हाईकोर्ट में जाने की हमने सोची। अब उस दौरान हमें कोई भी ऐसा एनिमल वेलफेयर स्पेशलिस्ट वकील भी नहीं मिल रहा था जो हमारी मदद करता। जी हाँ, पशु बलि के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किए, शेल्टर बनवाए, एम्बुलेंस मुहैया कराई, धार्मिक और भावनात्मक समर्थन हासिल मंदिरों और उनके पुजारियों के खिलाफ नैनीताल न्यायालय में याचिका डाली, कोर्ट के सामने ये साबित किया कि ये गैर कानूनी है, तो उत्तराखंड सरकार को भी बलि प्रथा के खिलाफ कानून बनाने के लिए मजबूर किया। ये सब कुछ भारत जैसे परंपरागत देश में आसान नहीं था, और ऐसे कई मौके आए जब विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेनका गांधी से प्रेरित होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ी गौरी ने हार नहीं मानी। पहले तो हमने ये कोर्ट केस जीता, उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आई तो पूरा प्रदेश ही विरोध में खड़ा हो गया, कि क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं को चैलेंज करने के बराबर था। ऐसे में विरोधियों ने आरोप भी लगाए और गौरी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन बचपन से घर में मिले संस्कारों और जानवरों के प्रति पिता के प्यार को देखकर बड़ी हुई गौरी ने पिता के शौक को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। 1995 में पीपल फॉर एनिमल से बतौर कार्यकर्ता जुड़ी थी, लेकिन आज वे मेनका गांधी की सबसे ज्यादा भरोसेमंद ट्रस्टी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस सरकारी मशीनरी में दबंग गौरी का खौफ है, उस बेटी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इस क्षेत्र में काम भी करेंगी। घर में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चिड़िया सब कुछ थे ही, मगर एक्टिवली हमने कभी सोचा नहीं कि इस फील्ड में कोई काम करेंगे। दशकों से चली आ रही बलि प्रथा को रोकने में सफलता हासिल की तो केदारनाथ त्रासदी के वक्त हजारों खच्चर और घोड़ों को बचाने के लिए खुद पहुंचे। यही नहीं, सरकार को भी मजबूर किया। 37 साल की ये बेटी अब दूसरे राज्यों में पशु संरक्षण को पुख्ता करने की कोशिशों में जुटी है, तो इस बात के लिए भी आंदोलनरत है कि जानवरों के प्रति सरकारी उदासीनता प्राथमिकता में बदले, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने से लेकर लोगों में संवेदनशीलता लाने की कोशिशें हो। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं लिखित में नहीं होती हैं, ये हमारे जहन में होती हैं। गौरी ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कल आपको मिलवाएंगे इरा सिंघल से। IAS में प्रथम आने वाली इस बेटी ने सरकारी लिखित आदेशों के खिलाफ जंग छेड़ी और अपनी काबिलियत से केंद्र सरकार के नियमों को आधारहीन साबित किया। आप देखते रहिए आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।